बिहार की हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल पटना साहिब लोकसभा सीट को भाजपा का घर माना जाता है। 2009 में पटना साहिब लोकसभा सीट अस्तित्व में आई तब से ही इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। साल 2009 से 2014 तक अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और 2019 से रविशंकर प्रसाद ने बाजी मारी है। वो लगातार दूसरी बार भी अपना किला बचाने के प्रयास में है। 2024 लोकसभा चुनाव में पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से कुल 17 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके किस्मत का फैसला कुल 22,95,535 मतदाता करेंगे। लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत के बीच है। रविशंकर प्रसाद के पक्ष में यहां से भाजपा के कई बड़े नेताओं ने जनसभाएं की। पटना साहिब में किसी पार्टी के उम्मीदवार के लिए पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, जिसकी काफी चर्चा हुई और इसका फायदा एनडीए को मिलता दिख रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अंशुल अभिजीत को भी इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों का साथ मिल रहा है। हालांकि इस सीट पर कम मतदान हमेशा से चुनौती बनी रही है। साल 2019 में इस लोकसभा सीट पर 57% मतदान हुआ था, जो कि इस लोकसभा चुनाव में लुढ़क कर 45% पर थम गया। 2019 लोकसभा चुनाव में रविशंकर प्रसाद को 6,07,506 मत मिले थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा को 2,84,657 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। इस बार पट्टा साहिब सीट पर रविशंकर प्रसाद और अंशुल अभिजीत के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। अभी तक के रुझान में बीजेपी और वर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं।